ऐसे रहीं नैनारंगिया जैसे। मेहदी हसन खान साहब वाज अ वेरी गुड अदर सिंगर। एक्सीलेंट यार, अगर वो आवाज नहीं होती तो मेरे ख्याल से छोटा मुंह बड़ी बात, न्याय भी छोटा मुंह बड़ी बात। आज जो आपके लेजेंड्स हैं नदीम साहब जैसे, वो लेजेंड्स नहीं होते यार। इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ दुनिया से तुझको चुरा लूं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं यार मेहदी हसन खान साहब, मिला हूँ मैं उनसे यार। तुम कब मिले? जरा हल्के रहे भाई, क्यों छोड़े हमारे भजन? सोच है आपकी मेहदी हसन से? जी जी, मैं नहीं मिला यार। मुझ जैसा आदमी, मुझ जैसा छोटा आदमी इतने बड़े आर्टिस्ट से मिला है? क्लब में आए थे मेहदी हसन, हम तो इवान कमी थ्री में खड़े हुए। एक जमाने में मैं म्यूजिक और ऑडियो के मामला को सीखने का बड़ा शौक था मुझे। कॉलेज का यूनिफॉर्म पहना होता था, मेरे कजन होते थे, एक सिंगर होता था उनके पास काम करते थे, ऑडियो इंजीनियर थे। बनी दिल में तुम आपको बनी, बहुत बड़ा नाम है। तो उनके पास मैं जाता था, उनका ऑडियो स्टूडियो था यार, बहुत जबरदस्त आवाज थी, उस जैसी आवाज थी, पावर। तो उनके पास 2000-2001 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कंबाइन प्रोडक्शन होती थी उसके नीचे शफी कोर्ट में, थर्ड फ्लोर पे बनी स्टूडियो होता था। वहां पे भाई मेरे ख्याल से बनी मेहदी हसन खान साहब, मोहतरम मेहदी हसन खान साहब की आखिरी एल्बम होगी गालिबन। वो मुझे शायर का नाम याद नहीं आ रहा, लंदन से आए थे, फरज शहजाद साहब से शायद उनकी शायरी थी वो एल्बम भी, ज्यादा शायद इतना कोई मंजरेआम पे नहीं आ सका। हमें पता लगा मेहदी हसन खान साहब आ रहे हैं, मैं तो ये बहुत पहले जाके बैठ गया और वहां पे सफाइयां वफाइयां हो रही है, खान साहब आ रहे हैं। खान साहब आए और मैं क्योंकि ग्राउंड फ्लोर भी पहुंच गया था कि खान साहब आ रहे हैं, बड़ा प्रोटोकॉल था उनका। खान साहब बहुत ज्यादा बीमार थे, पूरा जिस्म में उनके लर्जा था, पूरे जिस्म में। व्हील चेयर पे आए थे, उनका ड्राइवर ही उनका खिदमतगार था, वही लेकर आया व्हील चेयर से लिफ्ट तक। लिफ्ट में गोद में उठाया गया उनको और फिर गोद में ऊपर लाया गया। अच्छा, उनसे पहले अली अजमत की शिफ्ट थी, वो गागर गए थे। इसको मैं सिर्फ बता रहा हूँ और ये याद रखिएगा इसके बारे में आपको, और क्यों मैंने बताया बताऊँ। अली अजमत की क्या पावर थी, यंग आदमी, और वो तो रुकता ही नहीं है ना। तो बार ये अलग बात है, मेहदी हसन खान साहब ऊपर आए, फरज शहजाद साहब भी शायद शायर थे, वो इंतजार कर रहे थे, ऑडियो इंजीनियर शायद आइजक थे, इसहाक साहब। तो रिकॉर्डिंग शुरू होनी थी, उससे पहले मेहदी हसन खान साहब के लिए खास सिगरेट बनी, वो सब जानते हैं उनका वो इज्जत है, वो सिगरेट खास वाली वो सिगरेट बनी मेहदी हसन खान साहब ने, वो सिगरेट की हम स्टूडियो में। जी जी, स्टूडियो में सिगरेट अलाउ नहीं थी, लेकिन वो खान साहब है यार, खान साहब है मेहदी हसन खान साहब। तो सब पता होने के बावजूद सारे म्यूजिशियंस बैठे हुए थे, पूरा ऑर्केस्ट्रा टाइप बैठा, और तो उन्होंने सिगरेट पी। मुझे तो लग रहा था यार ये मतलब सिगरेट के बाद सो जाएंगे, जिसने वो बीमार थे। उसके बाद उन्होंने चिकन सैंडविच खाया, मंगवाया उन्होंने चिकन सैंडविच खाया, आज भी याद है, 2001 की बात है या 2000 की बात। तो नहीं, चिकन हट एक बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट था नीचे शफी कोर्ट के नीचे, गवर्नर हाउस के पास, वहां से उनके लिए चिकन सैंडविच आया, वो उन्होंने खाया। उसके बाद वो कर स्टूडियो में गए, इंजीनियर ने जो ऑडियो गेन खोलना होता है, जो माइक के लिए ऑडियो गेन खोलना होता है, ये समझ लो ऑडियो गेन का फेडर है। अली अजमत के लिए बिल्फर्ज अगर इतना खुला हुआ है ना, मुझे लगा खान साहब इतने बीमार है तो कम से कम इतना खोलना पड़ेगा कि उनकी थोड़ी बहुत आवाज आए। खान साहब पहलवान भी रह चुके, मैं भूल गया था, आप यकीन करें खरज जितनी तर्स थी ना वो खरज में थी, यानी लो टोन में थी जितनी गजलें थी। तो मैंने कहा पता नहीं इधर से भी कुछ घुमा के पीछे खोलना पड़ेगा। खान साहब ने जब गाना शुरू किया है तो ऑडियो इंजीनियर को गेन यहां से यहां करना पड़ा, क्योंकि ऐसा लग रहा था स्पीकर से आवाज बाहर आ जाए, जो थ्रो था यार उनका। मैं तो मैंने बोला यार वाकई में शहंशाह है ये बंदा, अपने फन का शहंशाह है। खैर बहुत लंबी बात हो गई है, उनकी गाड़ी में भी समझ गया यार, कसम से यार, यकीन करें मैं गरीब आदमी सब भी था, आज भी बाइक पे ही हूँ, उस वक्त तो बसों में सफर करता था। वो रहते थे इंचोली में और मेरा घर था ब्लॉक फेडरल मीडिया ब्लॉक 16 में। तो जब जाने लगे ना तो मैंने उनके जो ड्राइवर थे, जो उनके खिदमतगार भी थे, बहुत उनके करीबी थे, पता नहीं कितने सालों से उनके साथ,
तो मैंने उसे काम बोला, मैंने कहा मुझे छोड़ देंगे घर, शायद शाम के 8-9 बज रहे थे, 7-8 बज रहे थे शायद। तो उन्होंने बोला यार खान साहब को कुछ नहीं कहना, चुपके से जाके, खान साहब आगे बैठते हैं ड्राइविंग सीट के साथ, तुम चुपके से पीछे बैठ जाना। मेरी उम्र शायद उस वक्त 16 साल थी, मैं भूल गया एज, मुझे याद नहीं है। तो मैं वही किया चुपके से, उनके 86 करोला थी, नीचे उतरे, पीछे वाली सीट पे बैठा मैं, उनके ड्राइवर ने अभी चाबी से दरवाजा खोला ही था ड्राइविंग साइड का, खान साहब ने कुछ धीमी सी आवाज में कहा और ड्राइवर के चेहरे पे परेशानी। खान साहब ने बोला ड्राइव मैं करूंगा, खान साहब का पूरा जिस्म लरज रहा था, बीमार बहुत थे, और ड्राइवर के पास क्या था ना का तो कोई ऑप्शन नहीं था। खान साहब ने बोला 86 करोला ब्लू कलर डब्बा शेप नहीं होती पीछे से, वो थी उनके पास। तो खान साहब को चाबी दी ड्राइवर ने, खान साहब ड्राइविंग सीट पे आए, खान साहब ने जब गाड़ी उठाई तो मैंने तो कलमा पढ़ लिया गाड़ी उठाई पूरे रास्ते पहले दूसरे गियर में गवर्नर हाउस से सभी कोर्ट से चोरी तक गाड़ी गई, और बीच में बहुत बिजी होता था गुरु मंदिर चौरंगी होती थी उस जमाने में, चौरंगी पे उन्होंने मेन बंद कर दी, पीछे से ट्रक आ रहे हैं, बसें आ रही हैं, गाड़ी बंद कर दी, गलती से बंद हो गया, वो मीन उठाते हुए ले जा रहे थे। अब जब आयशा मंदिर आया मैंने बोला अगला तो चौक अब वाटर पंप और उसके बाद चोली है। मैंने उनके ड्राइवर को ना आहिस्ता से ना इशारा किया, मैंने कि मैंने उतरना है, तो उन्होंने पीछे ना सीट से बोला गाड़ी जब थोड़ी सी हल्की हो तो उतर जाना। कहने का है मेट्रोपोलिटन स्कूल है वहां से जब कट लेने लगे ना तो मुझे चांस मिला 10 या 20 की स्पीड पे होगी, मैंने 86 करोला का दरवाजा पीछे वाला खोला और चलते गाड़ी मुझे डर गया कि यही ऑप्शन है वरना खान साहब डर जाना पड़ेगा खान साहब की, और खान साहब ने वहां देख लिया तो बोले अरे मियाँ तुम किधर। लेकिन यार क्या नफीस आदमी, क्या स्ट्रॉन्ग आवाज, नहीं कि मैं तो एनी और शाहिद दोनों हूँ इनके, मतलब मैं क्या करोड़ों लोग हैं, मैं बड़ा मुतासर हुआ, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि बस उनसे तो मुलाकात रही। आपको छोड़ देते हैं जहाँ आपको जाना है, लेकिन चौथे गियर में होंगे और 60 की रफ्तार से जाऊंगा। सही है, पहले में उधर जाएंगे यार, वहां से बस पकड़ के दिखाइएगा, बड़ी प्रैक्टिस है सर।